नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। फ्रेंड्स, 10th पास के लिए हरियाणा में LDC की पोस्ट निकली हुई है। ये पोस्ट रेगुलर बेसिस पर है और जिसके लिए लास्ट डेट है 28 मई 2018। इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा। ये पोस्ट निकली हुई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में, यानी आपकी पोस्टिंग इसी स्कूल में रहेगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में आपको जॉब करनी होगी। LDC के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है और ये जनरल कैटेगरी के लिए, यानी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा तो वो जनरल में काउंट होगा। ये पोस्ट रेगुलर बेसिस पर रहेंगी। इसके लिए एज कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स की एज होनी चाहिए। आपकी एज 31 अक्टूबर 2018 को काउंट होगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कम से कम आपके पास मैट्रिकुलेशन 40% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए आप, यानी 10वीं में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपके कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आप इंग्लिश में कॉरेस्पोंडेंस कर सको, बातचीत कर पाओ, तो ये आपके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। डिजायरेबल क्या होनी चाहिए इसके लिए ज़रूरी? कंप्यूटर लिटरेट होनी चाहिए, यानी आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर काम करना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड, आपके लिए पास शॉर्ट हैंड की भी नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पे स्केल क्या दिया जाएगा या ग्रेड पे क्या रहेगा इसमें? इसमें वर्तमान में 5200 से लेकर 20200 का आपको पे स्केल दिया जाएगा और इसमें 1900 का ग्रेड पे दिया जाएगा। दूसरे कोई अलाउंस और क्या चीज़ आपको फ़ायदा दिया जाएगा इसमें? तो इसमें DA के अलावा, डेली अलाउंस के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से आपको सब कुछ दिया जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा, यानी आपको फ्री में रहने के लिए वहाँ पे हाउस दिया जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं मिलेगा तो HRA, LTC या NPS आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ग्रेचुटी की सुविधा भी आपको दी जाएगी और आपके पास कम फीस में 2 बच्चों को आप इसमें पढ़ा पाओगे स्कूल में अपने बच्चों को, तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरे कोई भी अलाउंस है या बेनिफिट है जो भी सैनिक स्कूल के सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से दिए जाएंगे तो वो भी आपको मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोकॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको देना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा इसके नाम से आपको बनाना होगा और पेवेबल एट करनाल इसमें करना होगा। ये आपका 28 मई 2018 से पहले पहले आपको बनवाना होगा और भेजना होगा। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगा उन सभी को रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई पोस्टल डिले होता है तो स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। मैं आपको अब फॉर्म बताता हूँ कि कैसे क्या फॉर्म रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपको अपना फुल फॉर्म कैपिटल लेटर्स में भरना है, इस बात का आप ध्यान रखना। जो भी चीज़ आपके लिए मान्य नहीं है उसको आप कट आउट कर दोगे, स्ट्राइक आउट कर दोगे। आपको यहाँ पे अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर्स या हस्बैंड नेम लिखना, अगर आप मैरिड है तो आपको अपना हस्बैंड नेम लिखना है और वैसे फादर्स नेम। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। इस जगह पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना होगा। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको टिक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो STD कोड के साथ आपको यहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर लिखना। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपकी ईमेल ID आपको यहाँ पर लिखनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी वो यहाँ पर लिखनी है और एज ऑन 31 अक्टूबर 2018 को आपकी जो भी एज है आपको यहाँ पर लिखनी है, ईयर्स, मंथ और डेज में। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो ये आपको यहाँ पे 8th कॉलम में बताना है।
नाइन्थ में आपको अपनी क्वालिफिकेशन करनी है कि टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कि आपका कंप्यूटर कोर्स है, अदर कोई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सब की उन सब की डिटेल आपको इस कॉलम में भरनी है। इनका मीडियम क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपने स्टडी किए, मेन क्या थे, मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीट आपकी ये डिग्री कब कंप्लीट हुई है, आपके स्कूल का या कॉलेज का क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। टेंथ ट्वेल्थ वाले यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे, परसेंटेज आपकी क्या है इन सभी में और डिवीज़न क्या रही वो लास्ट कॉलम में आपको लिखनी होगी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो आप टेंथ कॉलम में ये भर सकते हो, किस इंस्टीट्यूशन का आपका एक्सपीरियंस है और उसका एड्रेस, अपॉइंटमेंट कब हुई थी, आपने कौन सी क्लास को पढ़ाया, आपका पीरियड क्या रहा, किस से लेकर कब तक डेट आपको मेंशन करनी होगी, कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस है, स्कूल वो डे था या रेजिडेंशियल स्कूल था, आप वहाँ पे टेम्प्रेरी एडोक या परमानेंट बेसिस पर थे, आपकी जो सैलरी थी पर मंथ वो आपको लास्ट कॉलम में मेंशन करनी है। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में आपको जिस चीज़ की भी नॉलेज है वो सब आपको 11th कॉलम में फिलअप करनी है। आपकी जो भी हॉबीज़ है वो आपको 12th कॉलम में भरनी है। 13th आपके डिमांड ड्राफ्ट के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, ये सब कुछ, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो कि LDC है, और कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो फुल आपको भरना, कैपिटल लेटर्स में लिखना, बैक साइड पे लिखना डिमांड ड्राफ्ट को, इसको ध्यान से भरना, इस पर कटिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी। अगर आपकी और कोई भी डिटेल है तो आप 14th कॉलम में इसको भर सकते हो। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने किए वो सेल्फ अटेस्टेड करना, फोटोकॉपीज आपके जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उन सभी पे अपने सिग्नेचर करना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखने हैं, आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट, किस डेट को आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और किस बैंक से बनवाया वो सभी आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब इसके अलावा आपको 2 10x5 साइज के सेल्फ एड्रेस एनवलप, यानी 2 एनवलप आपको लेने हैं और उन पर अपना एड्रेस मेंशन करना है, इस साइज़ का वो एनवलप होना चाहिए और उस पर 42 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए। यहाँ पे अपने प्लेस डेट लिखनी है और सिग्नेचर करना है। इस तरह आप अपना फुल अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अब मेंशन एड्रेस पर भेज सकते हो। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।